स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ आपके लिए लेके आया हूं मैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, डियर चिल्ड्रन, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट पार्ट। आपको कहा गया है वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर बेटे। आपको करना क्या है, फर्दर मोर दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट लेंथ इज डबल्ड। दिस वायर इज पुल्ड सो दैट its length gets doubled। length को बच्चों आपने double कर दिया है, इसकी जितनी भी length थी pull करने के बाद। आपको कहा गया है find the resistance and the resistivity of the wire, find the resistance and resistivity of the wire। आइए बेटे डियर चिल्ड्रन स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूं आपको, फिर बाद में आप भी ट्राई कर लीजिएगा रिलेटेड क्वेश्चंस को। आपको एक वायर दिया गया है, इस वायर का लेंथ बेटे जो है इमेजिन कर लीजिएगा कि एल के बराबर का है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हमने बोल दिया। वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ गेट्स डबल्ड, एंड वी आर टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। खुशी बेटे ठीक है, गुड। आर इसका बेटा रेजिस्टेंस है, आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इसके बराबर हुआ करता है। अब आपने क्या किया, इसको पुल किया वायर को, इट इज गिवन दैट कि इसको पुल करके आपने डबल कर दिया लेंथ को बेटा। जब आप इस वायर को पुल कर दोगे तो न्यू लेंथ एल डैश इट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ आपको दे रखा है। और बेटे बिकॉज आप वायर को पुल कर रहे हो, जितना वॉल्यूम आपके वायर का इनिशियल है उतना वॉल्यूम फाइनल होना चाहिए, दोनों वॉल्यूम्स बराबर होने चाहिए। इनिशियली लेंथ एल के बराबर था, एरिया ए के बराबर था, और फाइनली आपका लेंथ एल डैश है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बेटे पता नहीं है। ठीक है बेटे, गुड, वेरी गुड, आपने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है बेटा। सो इसके बाद हमारे पास बेटे वॉल्यूम्स को जब हम कंपेयर करेंगे इस तरीके से, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा एल इंटू ए डिवाइडेड बाई एल डैश। आप एल डैश की वैल्यूज पुट करके ये आपके पास बनेगा जी ट्वाइस एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ए डैश नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनिशियल वैल्यू का बेटे हाफ के बराबर आ जाता है। वेरी गुड बेटे, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है। तो नया रेजिस्टेंस आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश, डियर चिल्ड्रन इट इज इक्वल टू रो एल डैश इज ट्वाइस एल, ए डैश ए बाई टू आपने निकाल रखा है, सो आर डैश इज रो टू टू आर फोर एल अपॉन ए। तो यू कैन से दैट यूजिंग इक्वेशन वन, वो देखिए आपको दिया हुआ है ये आर के बराबर, आर डैश इज फोर टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। और बच्चों ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप रेजिस्टिविटी की टर्म्स में बात करें तो रेजिस्टिविटी बेटे नहीं बदलेगी, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, सो रेजिस्टिविटी इट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। रेजिस्टेंस में चेंज आ गई है, जैसे फोर टाइम्स हो गया है, रो will remain
सेम बिटवीन, रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो इन दिस वे आप ये जो न्यूमेरिकल है इसको बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं व्हेन इट इज आस्क्ड टू यू बेटा। इसके बाद बेटे एक हमारे पास स्टिल और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, लेट अस फोकस अपॉन दैट न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड आई विल बी लेट मी राइट रादर द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू मे गो फॉर विद द कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग दैट। लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, एन एल्युमिनियम वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm, एन एल्युमिनियम वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 mm, मिलीमीटर्स। करना क्या है आपको, एंड रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी ये भी आपको बच्चों गिवन है, दिस इज 2.8 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ यूनिट्स आपको डियर चिल्ड्रन दे रखे हैं, ओम सेंटीमीटर, सो मैनी ओम सेंटीमीटर्स आपकी रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है। और इसके बाद बेटे आपको क्या कहा गया है, हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड, हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 10 ohm कॉइल, टू मेक ए 10 ohm कॉइल। बच्चों आपको लेंथ वायर का निकालना है और लेंथ निकालने में हेल्प करने के लिए आपको जो चीज ऑलरेडी बेटे दे रखी है वो रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी के साथ साथ आपको बेटे उन्होंने दिया हुआ है कि आपके इस केस में आपका जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है इसका डायामीटर और रेजिस्टेंस दोनों आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। सो डियर चिल्ड्रन रेजिस्टिविटी रो 2.8 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का ध्यान रखना होगा आपको, इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में बेटा जो है ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस आर जो है दिस इज 10 ohm, ये भी आपके पास है, डायामीटर 0.5 mm, इस mm के आपको बेटा मीटर्स बनाने पड़ेंगे तब आपका जो है ये बेटे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले तो आप बेटे आपका जो रेजिस्टिविटी है इसको इसके मीटर्स स्टैंडर्ड यूनिट में बदलिए, 2.8 × 10⁻⁸ ohm मीटर हो जाएगा, और डायामीटर आपका 0.5 है, 0.5 × 10⁻³ मीटर आ गया जी, और आप इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, ये आपके पास बेटे डायामीटर आपके वायर का आ जाता है। और डायामीटर निकालने के बाद आप अब इसका रेडियस अगर आपको जरूरत पड़े तो आप रेडियस की वैल्यू डाल दीजिए, अदरवाइज अगर आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर करना चाहते हैं तो यू आर अगेन वेलकम। आप अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस आर जो है इट इज रो इनटू एल अपॉन ए हुआ करता है, आर जो है इट इज रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर हुआ करता है, आर रो L अपॉन पाई डी बाई टू का स्क्वायर हुआ करता है, R इज इक्वल टू रो L पाई डी स्क्वायर, 4 आपका यहाँ एडजस्ट हो जाएगा बेटा, और आपको लेंथ चाहिए है, लेंथ विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर
into r upon 4 times rho. सारे स्टूडेंट्स उत्तर एक बार वैल्यूज पुट करके देखिएगा व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटा, कितना लेंथ बन जाता है. सारे बच्चे एक बार बेटे ये वैल्यूज डालकर सॉल्व करके देखिए. यू मे बी हैविंग कैलकुलेटर आल्सो विद यू. सो देखो सारी चीजें आपको दी गई हैं, सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड गो फॉर विद द कैलकुलेशन. चेक करके देखिए कितना आ रहा है बेटा. ऑल ऑफ यू बेटे, अरमान, अर्शीन, यस बेटे, ऑल ऑफ यू चेक करके देखिएगा बेटा. आदिति, अंकिता, अरमान, अर्शीन, अर्यांश, चांद, शंक, सारे बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा डियर चिल्ड्रन, और अर्पित, पुष्कर, जीवितेश, बेटे ये आपकी क्लास नहीं है आप चले जाइए, जानवी, इकजोत, आदित्य शर्मा, सक्षम, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं. सो डियर चिल्ड्रन देखिए कितना आ रहा है. हाँ जी बेटे, नाइस नाइस बेटे, कैलकुलेशन करके देखिए पुत्र सारे बच्चे. How much it is turning out to be? You may be having calculator with you also. Simple है, values आपके पास दी हुई हैं सारी. Values का substitution करिए और check करिए कि कितनी length आप. It is 70.1. अर्शीन कौर, good बेटा. Let me match. Yes, it is 70.1. बिल्कुल ठीक है. Good calculation बेटे. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है जी, ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक है. सो चलिए बेटे फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. इट इज 70.1 मीटर्स. इतनी लेंथ आपको चाहिए वायर की, तब जाकर आपका जो है इतना जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ये बनेगा बेटा. लेट मी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन बेटा. आपको एक अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखिएगा कि कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस केस में आपको मिल जाएगा. लेट अस बेटे प्रोसीड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसके बाद बेटे मेरे पास है क्वेश्चन एक ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. न्यूमेरिकल है बेटे. कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटे निकालना है. नेटवर्क आपको दे रखा है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दो एंड्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है. और बेटे आपको जो नेटवर्क दे रखा है इट इज इन दी फॉर्म ऑफ लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये चीज आपको दे रखी है. आपने ऐसे वैसे तो पहले सॉल्व कर भी रखे हैं, बट फिर एक बार ट्राई करिएगा. दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये वाला एंड आपका ए एंड है, ये एंड बच्चों बी एंड है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर आपको दे रखा है इन दिस मैनर. अब मैं वैल्यूज अगर लिख दूं तो ये आपके पास 1 ohm का है, ये 2 ohm का है, ये 1.5 ohm का है बच्चों, और ये 3 और ये भी 3 ohm, ये भी 3 ohm बेटा. तो आपको बेटे निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई दिस और बताइए कि कितना आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया. टू बिगिन विद आपके ये दोनों पहले सीरीज में आ जाएंगे, फिर वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, फिर ये सारा सीरीज में आ जाएगा. चेक करिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, ऑल ऑफ यू.
अरमान हाँ जी बेटे सॉल्व करिए और बताइए अरमान सारी रेजिस्टेंसेस की इंडिविजुअल वैल्यूज आपके पास हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं। हर्षदीप गरिमा इमानी देविता सेवन ओम्स चंग वेरी नाइस गुड बेटा। ये वाले जो दोनों हैं सीरीज में आप कर दोगे तो ये 3 ओम आ जाएगा जी, ये 1.5 के साथ पैरेलल में है। ठीक है बेटी ठीक है वेरी नाइस। ये 3 ओम का इस 1.5 के साथ पैरेलल में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। अब ये दोनों का इफेक्टिव आपके पास बन गया 3 और 3 ओम अब आपका इसके साथ पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा लेट अस कैलकुलेट। 1/R इन दोनों का मैं कह रहा हूं इट इज 1/3 प्लस 1/1.5 बेटा और ये आपके पास 3 3 प्लस 2 एंड ये आ जाएगा जी 5/3 R इट विल बी 3/5 ओम। ठीक है जी और अब आपने इन दोनों को रिमूव कर दिया एलिमिनेट कर दिया इनकी जगह पर आपके पास बन गया जी 3/5 ओम। अब ये तीनों आपके सीरीज में बेटे क्लियरली विजिबल हैं और आपका जो नेट रेजिस्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 3 प्लस 3 प्लस 3/5 ये आ जाएगा जी 1 2 1.5 इनकी वैल्यूज आपको 1 2 1.5 1.5 ये दोनों आपके सीरीज में है ये 3 ओम हो गया 3 वाला 1.5 के साथ पैरेलल में है इट विल बी 1/3 प्लस ये 1.5 इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 प्लस 2/3 करके भी लिख सकते हो तो 1/R आपके पास आ जाएगा जी 3 1 प्लस 2 एंड ये आपके पास बन गया 3/3 तो 1 ओम हो गया बेटा इफेक्टिव। यहाँ पे मुझे लगता कोई गलती हुई थी और फिर ये अब आपके देखो तीनों सीरीज में है 3 प्लस 1 प्लस 3 सो आर इफेक्टिव आपके पास बेटे जो है दिस इज 7 ओम। सो इन दिस वे आप इसको बेटे कंप्लीट कर सकते हैं। चलें जी आगे बेटा All of you बेटा completed okay बेटे nice ठीक है जी ठीक है आइए आगे चले then इसके बाद बेटे हमारे पास next numerical है this again based on the grouping of the resistors let me draw the network first of all नेटवर्क रेजिस्टेंस का कैसा दिया गया है आइए देखिए बेटा आपको बेटे दिया गया है ए बैटरी ऑफ 5 सेल्स स्टेटमेंट की फॉर्म में है बेटा ए बैटरी ऑफ 5 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट Each of 2 volt and having internal resistance
and having internal resistance, break cell का internal resistance वो कह रहे हैं 0.1, 0.4, 0.5 is, रिपीट करूंगा बेटे मैं एक बार फिर से, ए बैटरी मेड ऑफ 5 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड हैव इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम कॉमा 0.4 ओम एंड 0.5 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम, ये 5 नहीं सेल्स बने, स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 10 ओम रेजिस्टेंस, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 10 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज नीडेड इज draw the circuit diagram and calculate the current flowing through the 10 ohm resistance. Draw circuit diagram और ये 10 ohm वाले में से कितना current flow करेगा, this is needed. Statement पूरी repeat कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से. A battery made of 5 cells, each of 2 volt and have internal resistance 0.1 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm is connected across a 10 ohm resistance with it. ये इन्होंने internal resistances पूरे नहीं दिए हुए हैं, तो आपका statement कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ इस question में. आप बाकी के cells का भी बेटे 0.2 ओम एंड 0.3 ओम लिख लो, 0.2 ओम एंड 0.3 ओम, तभी ये इनका नंबर 5 बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 तभी बनेंगे, नहीं तो ये फिर आपका इनकम्प्लीट डेटा रह जाएगा बेटा. सो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले सेल का जो है ये 0.1 ओम दिया हुआ है, दूसरे सेल का 0.4 ओम, तीसरे सेल का 0.2 ओम हमने अपनी तरफ से ले लिया, चौथे सेल का भी हमने अपनी तरफ से लिख दी कोई वैल्यू, और फिफ्थ सेल का 0.5 ओम है, और बाहर वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस है. आपको सर्किट ड्रॉ करना है और बच्चों 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो करेगा ये निकालना है. सर्किट मैं ड्रॉ करता हूं, आप जरा देखिएगा, ये एक सेल आपका, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, चौथा सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, पांचवा सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और डियर डियर चिल्ड्रन ये आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस दिस वे, ये 2 वोल्ट सारे 2-2 वोल्ट के ही हैं, ये आपका 0.1 ओम, 0.4, 0.2, 0.3, 0.5. डियर चिल्ड्रन जरा वर्कआउट करिएगा, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस बेटा, ऑल ऑफ यू बेटे, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, सारे सीरीज में ही हैं. पहले आप सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सीरीज में लगाकर, तो ये काउंट करेंगे अगर आप, तो 5, 5, 10, 1, 1.5 बन जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, 1.5 ओम हो जाएगा, सारे सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं, और ये बाहर वाले सेल के साथ अगेन सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस 11.1 ओम हो जाएगा, और बैटरी की वोल्टेज नेट वोल्टेज 2-2 वोल्ट की 5 सेल्स हैं, 10 वोल्ट हो गई, आई इट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर, ये करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, वी
ये आपके पास भी थे 10 वोल्ट और आर 11.5 ओम, कितने एम्पियर आ जाएगा आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि कितना ये बन जाता है, चेक कर लीजिएगा एक बार ऑल ऑफ यू। कहीं कोई बात नहीं पता चली तो बताइए, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके बेटे 0.86 एम्पियर निष्ठा, दिस इज 0.86 एम्पियर, कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है चेक कर लीजिए। ओके जी गुड 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 बेटे वेरी गुड राइट बेटे राइट। चलिए फिर जल्दी से एक दो और नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करें देन फिर आगे चलेंगे बेटे। और आइए देखिए We further have another network of the resistors. मैं values लिख देता हूं, आप जल्दी से calculation कर दीजिएगा। आपको एक इस तरीके का बेटा network दे रखा है, one resistor and then another resistor over here. Over here an other resistor and here we have an other resistor and there is an other resistor, यहां पे भी connected है इस तरीके से, ये चीज आपको दे रखी है और this is point A, this is B, बाकी आपको दिया गया है 5 5 5 5 5 सारे इसको छोड़कर, ये 3 ओम का है बाकी सारे 5 ओम के हैं। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ए और बी में ये निकालना है बिटवीन ए एंड बी। जरा करिए चेक ऑल ऑफ यू बेटा व्हाट यू आर गेटिंग। चंक अदिति धवनेश देविता गरिमा चेक करिए बेटे। बेटे प्लीज गो थ्रू दिस एंड चेक व्हाट यू आर गेटिंग। बच्चों सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा इमानी। फिफ्टी थ्री बाई फाइव अरमान, 53/5 कितना होगा? नहीं इतना नहीं आना चाहिए अरमान, एक बार चेक करो। अरमान एक बार चेक करना, यस हां जी चंक राइट। पहले आपके ये तीनों सीरीज में आएंगे बच्चों, इनका 5 5 5 15 ओम, ये 3 वाले के साथ पैरेलल में 1/r-1/3+1/15 करिए, ये बन गया ये 2.5, फिर ये और ये वाला सारा जो आपने निकाला है और ये सीरीज में आ जाएंगे। सो आर इफेक्टिव आपके पास जो होगा
5 प्लस 2.5 प्लस n अदर 5, और ये बच्चों आपके पास 12.5 ओम इतना बन गया। चेक कर लीजिएगा बेटे। यस ठीक है जी, एक और देता हूं आपको बेटे, मैं आप करके देखिएगा। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको एक नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टर्स का, लेट मी ड्रॉ दैट नेटवर्क बेटा। वन रेजिस्टर एंड अदर रेजिस्टर, वन रेजिस्टर एंड अदर रेजिस्टर, और आपको एक यहाँ पे और रेजिस्टर दे रखा है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर दे रखा है दिस वे, और देन बेटे ये आपका पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट क्यू। वैल्यूज जो आपको दी गई हैं 2 2 2 2, सारे 2 2 गई हैं, सारे रेजिस्टर बेटे 2 ओम के हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। पी और क्यू के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है इफेक्टिव। जरा जल्दी से बताइए कितना आएगा उत्तर ऑल ऑफ यू। चंक, धवनेश, अदिति, अर्शीन, चांद, 3 ओम राइट, बिल्कुल ठीक है जी, बिकॉज ये तीनों सीरीज में है 6 ओम आ जाएगा, ये तीनों सीरीज में 6 ओम आ जाएगा, और ये दोनों जब आप पैरेलल में करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी 3 ओम बेटा। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो विद दिस फिर बेटे मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बाकी फिर काम कल करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। थैंक यू ऑल बेटा।